हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है हमारे सेप्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टडी करेंगे। उससे पहले मेरा एक स्टैंडर्ड सा डिस्क्लेमर होता है कि इस वीडियो में जो भी मेरी एनालिसिस और स्टडी होती है ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। यदि आप ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के ट्रेड करें। आगे मैं इस वीडियो के माध्यम से जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्टडी करूँगा, उससे पहले एक मेरे को बात ऐसी याद आ गई। आज मैं कोई चैनल देख रहा था जिसपे एक एनालिस्ट थे, बहुत अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट थे। वो आज उन्होंने आकर के बोला कि अभी इस लेवल पे मार्केट में एंटर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, फिर भी इन स्टॉकों को बाई नहीं करना चाहिए। तो मुझे एक अंदर से बहुत एक हंसी आई और मैंने ये सोचा कि यही बातें मैं जनवरी में बोला करता था लोगों को, तो लोग मेरे को गलत तरीके से शेयर करते थे कि नहीं, ये हवा में बातें कर रहा है। तो और उस समय मैंने बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे ट्रेडर, हर कम्युनिटी मार्केट में इस तरीके से बुलिश था, जिस तरीके से बाज़ार में मंदी नाम का कोई चीज़ ही नहीं जानता हो, और इस तरीके से पूरे तरीके से तेज़ी तेज़ी तेज़ी, एक लेवल कटने के बाद सेकेंड लेवल के बाद थर्ड लेवल। शायद मैं भी या मार्केट ही ऐसा करता है कि लोग भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नए मार्केट में आते हैं, उनको केवल तेज़ी दिखाया जाता है और तेज़ी के साइकोलॉजी में पूरी तरीके से तेज़ी में आ जाते हैं, और हर ब्रेकआउट लेवल के बाद एक नया लेवल जनरेट हो जाता है। 1500 पॉइंट वैसे हवा में बातें करने लगते हैं, लोगों को लगता है कि यहां से बस तेज़ी ही तेज़ी रहेगा। तो और वहां पे अगर कोई निगेटिव बातें करे, और बेशक वो नॉलेज के साथ बोले या जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हर लेवल पे वो गिरावट की बातें करते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन टेक्निकल लेवल पे भी अगर वहाँ पे कोई अगर आपको सचेत करने के लिए बोलता है तो उसके नॉलेज पे इग्नोर कर दी जाती है। सेम कहानी अभी देखी जा रही है। मार्केट अच्छे खासे लेवल पे आ चुका है, और मार्केट निफ्टी बेशक नहीं आया है, लेकिन स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पे आ रहे हैं। डेली स्टॉक पैनिक बॉटम बना रहा है, और कुछ ऐसे स्टॉक अभी जो पैनिक बॉटम बना रहे हैं, आने वाले सीरीज में हो सकता है कि इससे ऊपर ही लेवल पे मिले। तो निफ्टी में गिरावट देखी जाए, ये मैं कंटिन्यू इसलिए सचेत कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने दिसंबर और जनवरी के वीडियो में लगातार बोलता रहा कि बाज़ार में यहाँ से गिरावट देखी जाएगी, और लोगों ने वहाँ भी इग्नोर किया, और यहाँ से भी मैं बोल रहा हूँ कि बाज़ार में यहाँ से, अब बाज़ार में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनमें बॉटम बन चुका है, उस बॉटम वाले स्टॉक को जरूर बाई करना चाहिए, और इसके लिए आपकी अपनी स्टडी एनालिसिस जरूर कंपलसरी होना चाहिए आपके पास, ऐसा टूल जिसके बेस पे आप एक डिसीजन ले सकें। वरना इसी तरीके से एनालिस्ट आएंगे, जब तेजी होगा तो और बोलेंगे और ऊपर जाएगा बाजार, और उस समय लोग ऊपरी लेवल पे लेके फंस जाते हैं। जब नीचे आ रहा होता है तब बोलते हैं कि और नीचे जाएगा बाजार, और नीचे के लेवल पे लोग लॉस बुक करके निकल जाते हैं, और फिर बाजार में वहीं से तेजी आती है। तो इतना बोलने का मकसद मेरा यही है कि बाजार में पैसा कमाना है तो बिना स्टडी का आप पैसा कभी भी नहीं बना सकते हैं, ये आप लोग लिख के रख लीजिए। और स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास यूट्यूब या अदर टूल्स है। स्टडी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको एक आपके अंदर से निकलनी चाहिए आवाज़ें कि हाँ, यहाँ पे इस स्टॉक का बॉटम बन सकता है और इस लेवल पे बाई की जा सकती है, और बाई करने के बाद उसके अंदर पेशेंस के साथ बने रहने का क्षमता होना चाहिए। और इस सारी ऑब्जर्वेशन और आपके अंदर पेशेंस आ गया, इट्स मीन्स आपकी स्टडी वहाँ पर कम्प्लीट समझी जाएगी। और वैसे भी स्टॉक मार्केट खुद गुरु है, और आपको स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक मार्केट को गुरु बना करके प्रॉपर एक अच्छे शिष्य की तरह आपको बिहेव करना पड़ेगा, और डेली कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें सीखने को मिलती है। खैर, आगे हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का, जिस तरीके से आज इसने 10,550 के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस किया है, और मेरा एक स्टडी था कि 10,605 के नीचे जिस दिन भी बंद होगा तो बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। तो आज इसने नीचे भी गया, ऊपर भी आया, अब यहाँ से क्या होने वाला है? तो बाज़ार में जो मुझे दिख रहा है, कुछ ऐसे स्टॉकों में नीचे से बाइंग देखी जा रही है, जिस कारण से बाज़ार में फिर से निफ्टी में सपोर्ट मिले, और ये सपोर्ट कहाँ तक बाउंस कर सकता है और कहाँ पे
कौन से रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, वरना फिर से नीचे आएगी। उसके लिए हम कंप्लीट ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू हमें स्टडी करेंगे वोलेटिलिटी के बेसिस पे कि निफ्टी के वोलेटिलिटी क्या दर्शाता है बाजार के लिए, कल के बाजार कैसा होने वाला है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस 10,593 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, इसके बेसिस पे इसका जो रेजिस्टेंस है 10,630 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा बाजार, और वहाँ से अगर दोबारा रिवर्स मारेगा तो 10,530 तक फिसल सकता है। और कल आरबीआई का पॉलिसी भी है, तो इसलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे सचेत रहें। बैंक निफ्टी एक ट्रेंड डिसाइड करेगा किस तरफ जाना है, और जिस तरीके से मुझे जो लग रहा है कि अगस्त सितंबर में बॉटम बनेगा, फाइनल बॉटम, लेकिन इस फाइनल बॉटम के रेंज में आपको स्टॉक अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। मई में दो तीन स्टॉकों ने जो बॉटम बनाए थे, बहुत सारे स्टॉकों ने बॉटम बनाया, उसमें से अच्छे अच्छे स्टॉक 10-15% आज भी ऊपर के लेवल पे चल रहे हैं, इतना गिरावट होने के बाद भी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। उसी तरीके से अभी जो बॉटम बनेगा, बहुत सारे स्टॉकों का बॉटम जो बनेगा, वो हो सकता है कि आने वाले गिरावट में वो पार्टिसिपेट भी करेंगे, तो इसी लेवल पे मैं भी डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बनाने की कोशिश करेंगे, पैटर्न डेवलप करेगा बाजार। तो 10,650 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा ये बाजार, और टारगेट नीचे का जो होगा 10,530 के लिए, इसको पहले से शॉर्ट है तो 10,606 ये आपका जो टारगेट थर्ड है, 10,666 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह फेस करेगा, इसके ऊपर बाजार जाएगी तो ही हम तेजी समझेंगे, वरना 10,520 तक और 30 तक आने के चांसेज होंगे। तो ये रहा निफ्टी की एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी का कल इम्पोर्टेंट सेशन भी रहने वाला है, तो बैंक निफ्टी में हो सकता है कि पूरे दिन तक एक रेंज में रहे, जिस कारण से ट्रेंड इनडिसाइसिव मोड में रहेगा। 26,430 और 26,400 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, और मैक्सिमम मूवमेंट जो आएगी 26,500 के आसपास, 26,500 के आसपास जाए तो वहाँ पे रिस्क लेकर के शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, टारगेट होगा 26,000 का। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल एनालिसिस फॉर 6 जून के लिए। 6 जून एक बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल का भी काम कर सकता है, तो इसलिए 6 जून को थोड़ा सा लेवल कटने का वेट करें, या ऊपर के लेवल पे रिस्क लेकर के अपनी मार्केट के बिहेव ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही काम करें। मीन्स जिस तरीके से 10,666 का लेवल अगर रेजिस्टेंस फेस करे और वहाँ से बाजार प्रॉपर एक पैटर्न में नीचे की तरफ फिसले 10-20-30-40 पॉइंट लार्ज वॉल्यूम के साथ, तो ही हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। उस केस में आपको मार्केट का अंडरटोन समझना होगा। मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है और लेवल कट रहा है, तो आपको उसमें स्टॉक की मूवमेंट देखनी होगी कि पार्टिकुलर निफ्टी 50 के स्टॉक में कौन से में ज़्यादा गिरावट आने के चांसेज हैं। अगर उस स्टॉक में भी शॉर्ट बिल्डअप डेवलप हो रहा है लाइव मार्केट में, या लार्ज वॉल्यूम के साथ गिरावट देखी जा रही है, या उसका भी लेवल कट रहा है, लाइक एच डी एफ सी बैंक 2100 रुपये तक जाए तो दोबारा से उसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। तो HDFC बैंक में अगर 2100 रुपये के रेंज में मार्केट बैंक निफ्टी 26,300, 400 और 500 के आसपास अगर ट्रेड हो रहा हो, और HDFC बैंक 2100 के रेंज पर ट्रेड कर रहा हो, और फिर से HDFC बैंक डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे दे लेवल कटने के बेसिस पे, तो हम समझेंगे कि 26,500 का एक रेजिस्टेंस जो है वो बरकरार रहेगा, और वहाँ से बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। इट्स मींस स्टॉक जरूर उसको मैच करे कि अभी बैंक निफ्टी को ऑपरेट करने के लिए HDFC बैंक काफ़ी हेल्प कर रहा है बैंक निफ्टी को मूवमेंट देने के लिए, तो इसलिए बैंक निफ्टी में को ट्रेड करने के साथ साथ HDFC बैंक को जरूर आप ध्यान दें। इसी तरीके से निफ्टी को मैनेज करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री मैनेज कर रहा है, तो रिलायंस इंडस्ट्री पे जरूर ध्यान दें। 950-960 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब भी उस लेवल के आसपास जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे,
और साथ में निफ्टी में भी ब्रेकडाउन का सिग्नल, अगर मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री 950-960 के आसपास ट्रेड कर रहा है रेजिस्टेंस लेवल पे, और निफ्टी भी रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी में 15-20 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, और रिलायंस इंडस्ट्री स्थिर है या उसमें भी डाउन ट्रेंड का सिग्नल स्टार्ट हो गया है, इट्स मीन्स दोनों ही साथ में गिरेंगे। तो ये और वैसे कंपलसरी नहीं है, अभी का जो अंडरटोन है मैं उसके लिए उस हिसाब से HDFC बैंक और रिलायंस की स्टडी शेयर कर रहा हूँ। मार्केट हमेशा कोई ना कोई अपना दूसरा स्टॉक, दूसरा सेक्टर पकड़ लेता है, इसलिए सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक रहने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कब कौन सा मार्केट को ऑपरेट करेगा। तो ये रहा हमारा आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एनालिसिस, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी एजुकेशनल या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप दिए हुए मोबाइल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और जिन लोगों ने मेरा चैनल होमटेक एनालिसिस करके जो चैनल है अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर मैं लाइव आने की कोशिश करता हूँ डेली, 10 से 10:30 के बीच में मैं लाइव आता हूँ, तो ट्राई करें सब्सक्राइब रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि कभी भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।